हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री के सभी एमसीक्यू करेंगे जो इस बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इंटरेस्ट जरूर बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों के बीच जितना वीडियो हम करा रहे हैं आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसी से यानी कि जितना वीडियो करा रहे हैं उसी से सारा प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। किसी कारण बस जो है रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश मैं ज़रूर करता हूँ कि आप लोगों के बीच रेगुलर वीडियो दो, लेकिन किसी कारण बस नहीं हो पाता है। आज से ज़रूर कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो अपलोड हो। चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को डैश कहा जाता है। किसके? तो यानी कि इलेक्ट्रॉन के कार है ना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का कार है। और दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रॉन के जो समतुल्य प्रतिद्रव कणों को जो कहते हैं, मेनली रूप से इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। क्या कहेंगे? पॉजिट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉजिट्रॉन कहेंगे। ऑप्शन किस में दिया है? पॉजिट्रॉन। ए में कह रहा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इसको नहीं कहेंगे, ना प्रोटॉन कहा जाता है इसको, यानी कि पॉजिट्रॉन कहा जाता है। जबकि प्रोटॉन पे चार्ज की अगर बात किया है दोस्तों, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। किसका कह रहा? यानी कि इलेक्ट्रॉन का कह रहा। और इलेक्ट्रॉन का खोज दोस्तों यानी कि जे थॉमसन ने किया था। कौन? जे थॉमसन, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? जे थॉमसन। ए में करा नील्स है, नील्स बोर। तो नील्स बोर जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं किया था, ये जो किया था यानी कि जे थॉमसन भाई साहब ने किया था, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की अगर बात किया जाए दोस्तों, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों यानी कि निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है इसको? यानी कि निरात्मक कहते हैं, ठीक है ना, निरात्मक कहते हैं। उसके बाद जो है यानी कि प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे दोस्तों यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको यानी कि धनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? यानी कि धनात्मक कहते हैं। और न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों यानी कि आवेशहीन होता है। क्या होता है? किस प्रकार का होता है? आवेशहीन होता है। तो ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों, सकारात्मक चार्ज वाला पूछ रहा है, ऑप्शन बी में दिया है प्रोटॉन। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो यानी कि क्या कह रहा है? यानी कि कुछ अलग गुण हो। तो दोस्तों यानी कि ऐसा जो देखा गया है प्रतिकण में देखा गया है। किसमें? प्रतिकण में। इसमें यानी कि सबसे अलग गुण होता है। ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन यानी कि बी में दिया है प्रतिकण। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, शब्द परमाणु को किसने खोजा है? किसको? यानी कि परमाणु को, ठीक है ना। और दोस्तों यानी कि परमाणु को खोजने वाला का नाम की अगर बात किया जाए, है ना, परमाणु को जो खोजा था, ठीक है, उनका नाम है यानी कि डेमोक्रिट्स। क्या नाम है? डेमोक्रिट्स। ऑप्शन किस में दिया है? डेमोक्रिट्स। ए में कह रहा है यानी कि डाल्टन। तो डाल्टन भाई साहब ने इसको नहीं खोजा था, ना कुनाद ने खोजा था, ना लेवोजियर ने खोजा था, ठीक है ना। इसको यानी कि डेमोक्रिट्स ने खोजा था, जो कि ऑप्शन डी में दिया है डेमोक्रिट्स। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया, एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है? किसमें कह रहा है? यानी कि इलेक्ट्रॉन में कह रहा है। एक इलेक्ट्रॉन में जो ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, ठीक है ना, वो भी यानी कि नेगेटिव में होता है। जबकि प्रोटॉन पे अगर बात किया जाए तो 1.6 × 10⁻¹⁹ यानी कि 19 कूलम होता है। क्या होता है? −19 कूलम होता है, ठीक है ना, −19 कूलम होता है, 2×10⁻¹⁹ कूलम होता है। देखिए इसमें पॉजिटिव साइन रहता है, तो पॉजिटिव साइन को कभी भी यानी कि साइन के साथ नहीं दर्शाते हैं, लेकिन जहाँ पे नेगेटिव होता है उसको नेगेटिव से जरूर दर्शाते हैं। लेकिन ऐसा जो ऑप्शन में दिया हुआ है, किसी में नहीं दिया हुआ है नेगेटिव। तो ऋणात्मक वाला पूछ रहा है, एक ऑप्शन यानी कि मिल रहा है, क्योंकि 23 तो चार्ज होता नहीं है इलेक्ट्रॉन का, ना यानी कि 1.4 के आसपास होता है, ना 1.8 होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से सी सही हो जाएगा। अगर थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है यानी कि निगेटिव में होता है, इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो −1.6×10⁻¹⁹ कूलम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणु में मौजूद होता है, ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन को छोड़कर। किसको? यानी कि न्यूट्रॉन को छोड़कर, ठीक है। अब देखिए, अगर न्यूट्रॉन को अगर छोड़ दिया जाएगा तो हाइड्रोजन जो है यानी कि सभी में होगा। किसमें? सभी में होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर की बात किया जाए तो एक होता है। कितना होता है? एक होता है। तो कोई भी अगर हो, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। कार्बन का कितना? यानी कि 6 होता है। तो देखिए एक से स्टार्ट होगा ही,
ठीक है ना। तो इसलिए यानी कि हाइड्रोजन जो है लगभग सभी तत्व में, ठीक है ना, सभी एलिमेंट में मौजूद होंगे। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन बी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का अगला प्रश्न दिया, नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है, किसमें, यानी कि नाभिक में, नाभिक में जो नहीं होता है उसके बारे में हमको जानना है इसमें, ठीक है ना, पूछ रहा है। तो सबसे पहले समझें कि नाभिक में होता क्या है। तो सबसे पहले यानी कि प्रोटॉन होता है, ठीक है, और प्लस में न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है इसमें नहीं रहता है, ठीक है, न्यूक्लियॉन भी रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है ना। तो देखिए नहीं वाला हमको पहचानना था, तो न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियॉन भी होता है, ठीक है ना, क्योंकि इस दोनों का समूह को यानी कि न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि नहीं वाला हमको पहचानना था, और नहीं वाला जो दिया है ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में उपलब्ध नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न, नाभिक में कौन उपस्थित होता है, सभी प्रश्न, सॉरी माफ कीजिएगा, यानी कि उपस्थित होता है वो पूछ रहा है। तो देखिए न्यूट्रॉन तो होता ही है और प्रोटॉन होता ही, लेकिन इस दोनों के समूह को क्या कहेंगे, यानी कि न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। कौन सा, सी इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं, ठीक है, यानी कि नाभिक में कह रहा है, किसमें, यानी कि नाभिक में कह रहा है। तो सबसे पहले यानी नाभिक में यानी कि प्रोटॉन होता है, क्या, यानी कि प्रोटॉन होता है, और प्लस में यानी कि न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना, पीएनसी इसको यानी कि सूचित करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ए में कह रहा है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ये तो होता है भाई। बी में कह रहा है प्रोटॉन, प्रोटॉन तो होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। सी में कह रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डी में कह रहा है केवल न्यूट्रॉन, तो दोस्तों यानी कि न्यूट्रॉन नहीं होता है, साथ ही साथ प्रोटॉन भी होता है, ठीक है ना। जो केवल कह रहा है तो केवल वाला बात तो होगा ना, ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाए, क्योंकि ए में दिया है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, डैश विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्मणु पर परस्पर प्रभाव है, ठीक है, यानी कि किसका प्रभाव है। तो देखिए यानी कि इसका जो प्रभाव होता है दोस्तों यानी कि न्यूट्रिनो पे होता है, किस पे होता है, न्यूट्रिनो पे होता है। ऑप्शन किस में दिया है, न्यूट्रिनो, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्राकीन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज की थी, यानी कि रदरफोर्ड के बारे में हमको कह रहा। और दोस्तों देखिए रदरफोर्ड जो यानी कि ढूंढा था यानी कि परमाणु में नाभिक, क्या, परमाणु में, ठीक है ना, परमाणु में कि समझिए यानी कि नाभिक का खोज इन्होंने किया था यानी कि ढूंढा था। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों परमाणु में नाभिक जो दिया है ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था, यानी कि पहली बार कह रहा है, ठीक है ना, पहली बार, और पहली बार जो ढूंढा था, है ना, पहली बार जो खोज किया था इसका, ठीक है, ये यानी कि रदरफोर्ड साहब, कहाँ दिया है, कौन सा ऑप्शन में दिया है रदरफोर्ड, ठीक है ना। रदरफोर्ड साहब का ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है रदरफोर्ड, ठीक है ना। और करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाए, क्योंकि परमाणु का नाभिक मॉडल का जो खोज किया था रदरफोर्ड ने ही किया था, ठीक है। चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है। सबसे पहले समझें कि कक्षा होता क्या है, ठीक है ना। और दोस्तों ने कि कक्षा जो होता है, ठीक है, ये के एल एम एन ओ पी, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, कितना, के एल एम एन ओ पी, ठीक है, के एल एम एन ओ पी, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले क्या कर, एम कक्षा में, तो एम में एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, इसमें यानी कि दो, इसमें तीन, और जब तीन हुआ तो इसका फॉर्मूला होता है 2n2। तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तीन है, तो दो गुने तीन का स्क्वायर, तो तीन का स्क्वायर 9, और 9 को 2 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 18, कितना हो जाएगा भाई, 18 हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है 18, ए में कह रहा है 8, तो 8 जो होगा दोस्तों किस में होगा 8, तो यानी कि एल में होगा 8,
किस में होगा, एल में होगा आठ, क्योंकि टू एन स्क्वायर होता है और एन का वैल्यू यहाँ पे 2 है, एन का वैल्यू यहाँ पे 3 है, एन का वैल्यू यहाँ पे 4 है, एन का वैल्यू यहाँ पे 5 है, एन का वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बारह एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको VVI जरूर करके चलिएगा। तो देखिए 18 जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है एन कोश में, ठीक है ना, एन कोश में कह रहा है और एन बराबर जो होता है यानी कि 4, कि एन कितने पे आता है, यानी कि 4 पे आता है, क्योंकि के से स्टार्ट होता है, KLMN, ठीक है ना। तो 2 और गुने 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2 गुने यानी कि 16 बराबर में यानी कि 32। एन कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 32 होंगे, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 32, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया, तीसरी कक्षा डैश सेल के रूप में निरूपित किया जाता है, तो KLMNOP, ठीक है, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी कक्षा, तो यानी कि तीसरी कक्षा को M के रूप में डिनोट करते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया है M। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। L को यानी कि पहली कक्षा, ठीक है, उसके बाद सॉरी माफ कीजिएगा, L को दूसरी कक्षा, क्या, L को यानी कि दूसरी कक्षा, ठीक है, K को पहली कक्षा और N को चौथी कक्षा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या डैश होती है, किसमें यानी कि तीसरे सेल में, है ना, तीसरे सेल में कह रहा है, तो तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि यानी कि 2n² फॉर्मूला होता है और n का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, यानी कि 3 होगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों 18 जो दिया है ऑप्शन सी में दिया है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती है, किसमें यानी कि मौजूद होता है भाई, तो देखिए न्यूट्रॉन के अलावा जो है यानी कि हाइड्रोजन, ये सभी में लगभग मौजूद होंगे, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी में दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन करेक्ट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। जबकि कार्बन की बात किया जाए एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 1 से स्टार्ट होगा भाई। नाइट्रोजन का 7 होता है, इस 1 से फिर भी स्टार्ट होगा। ऑक्सीजन का 8 होता है, ये भी यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, उसके बाद ही यानी कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, उसके बाद 8 होगा, है ना, तो 1 से स्टार्ट होगा। तो न्यूट्रॉन के अलावा जो है यानी कि हाइड्रोजन जो है सभी में यानी कि मौजूद होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन में कह रहा है, ठीक है, पी वाला में कह रहा है, और पी वाला में जो होगा दोस्तों 1.6 और गुने में 10^10 में यानी कि -19 कूलम होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।